हेलो दोस्तों, यारो प्यारो, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है काय। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ड्राइंग करके और कलरिंग स्टार्ट कर दी है। ड्राइंग में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इसमें। ड्राइंग काफ़ी अच्छे से, क्योंकि मोटी मोटी ड्राइंग मारी थी तो हो गया था। और उसके बाद कलरिंग भी हमने जल्दी स्टार्ट कर दिया था। इसके लिए बनाने के लिए हमारे पास 2 दिन थे, लेकिन हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की सोच रहे थे इसको। तो मैं और मेरे 2 जन साथी, मेरे साथ में यश और देव, हम तीनों ही लगे हुए थे यहाँ पर। और सामने का बेस ड्राइंग करके, बेस कलर करके ये मैं होटल जाके वापस आ गए हम। ये हमारा सेकेंड डे है जहाँ स्टार्ट हो गया हमारा। एक्चुअली बीच में बारिश आ गई थी तो बीच में हमें रोकना पड़ा था काम, और अभी हमने काम शुरू कर दिया है। और आई होप आप लोगों को अभी से थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप पेंटिंग को एंजॉय कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम यहाँ कानपुर IIT में आए हुए हैं, और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पर। स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, सपोर्टिव है। और यहाँ पर कोई ना कोई IIT का स्टूडेंट बैठा रहता था हमारे साथ में, ताकि हमें किसी की ज़रूरत पड़े तो वो प्रोवाइड करा दे, पानी, कलर, XYZ कुछ भी। जैसे ये आके बैठ गए मैडम, ये हैदराबाद से है, इन्हें हिंदी बहुत कम आती है। और बाकी हम लगे हुए पेंटिंग में। पेंटिंग में जैसे मैं आप पेंटिंग की बात करूँ तो पेंटिंग में मैंने बैकग्राउंड का और ये सपोर्ट पूरा ख़त्म कर लिया है, और बेस कंप्लीट करने के बाद मैं ये फाइनल पे लेके आ रहा हूँ। जो गेट है इसका, नेचर का, एक्चुअली इन्होंने जो हमें थीम दी हुई है, वो थीम ये थी कि हमें कुछ अनदर वर्ल्ड बनाना है, कोई दूसरा वर्ल्ड बनाने का ना है जिसका रास्ता यहाँ से निकल रहा है। तो ये गेट बन रहा है जिसके ऊपर मैं कुछ सिंबल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कुछ मैजिकल सिंबल्स टाइप कुछ हो। और ये इसकी मतलब ये वेव से निकली हुई एक अलग ही ध्वनि टाइप का, जिससे लगे कि हाँ ये एक अलग गेट है और एक दूसरे वर्ल्ड में एंटर हो रहा है। तो देख लो, जैसे इसमें पहले मैं येलो ड्राइंग करके ऊपर डार्क ब्राउन कलर से कलरिंग कर दी है, जैसे डिज़ाइन जो मैंने बना दिया। फिर उसके ऊपर से मैं येलो कलर में हल्की हल्की लाइट डाल के फिर कहीं कहीं टचअप दूंगा वाइट कलर से, जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है जो आप देख ही रहे हो। और आसपास का जो नीचे साइड में पत्थर है, पत्थर का मैंने पूरा ब्राउनिश करके हल्का डार्क नीचे से रख के ऊपर, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जो कि मेरी जो मैंने लैंडस्केप बनाया था 50 फिट का, तो उसमें भी मैंने ये कुछ इस तरह से ही टेक्निक यूज़ की थी। बैकग्राउंड डार्क करके ऊपर से लाइट, फिर हल्का लाइट, और फिर लास्ट टचअप लाइट का करके कंप्लीट हो जाता है। तो पत्थरों में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर अपने टेक्निक पता हो तो। बाकी आप देख रहे हो जिस तरह से गेट भी बन के तैयार हो गया और पत्थर भी बन के तैयार हो गए, जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरह से ही पत्थर बनाए हैं, और नीचे पानी का भी। और मेरे दोनों साथी लगे हुए हैं अपना बेस में, इसको जितना हो सके उतना करने में, और मैं फाइनल टचअप देते हुए जा रहा हूँ वहाँ पर, अंदर घुसते हुए कि लगे कि हाँ कि एक दरवाज़ा है और उसके अंदर जाने का कोई रास्ता है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अंदर जाने का पूरा रास्ता इस तरह से बनाऊँ। हमें साथ में मेरे जो साथी है उनके भी लगे हुए हो मेरे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, और हम आपस में एक दूसरे से आइडिया भी शेयर करते हैं कि कैसे क्या रहेगा। और एक बड़ी पेंटिंग का यही होता है कि दूर से बार बार आके देखना पड़ता है। ये कुछ दोस्त आए हुए थे जो वहाँ पर दोस्ती हुई थी जिनसे, ये डांस ग्रुप आया हुआ था यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए, ये भी उन्हीं में से ही है। ओके, तो मैं अब पेंटिंग पे आता हूँ। तो पेंटिंग का बैकग्राउंड का ये मैं खड़ा होकर देख रहा था कि उसका व्यू लुक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो लुक आ रहा था, क्योंकि नीचे की तरफ से फ्लोर पूरा 3D दिखना चाहिए कि हम उस पे से निकल गए, क्योंकि जो नीचे का जो फ्लोर है उसको बनाने में थोड़ा टेक्निक यूज़ होती है ड्राइंग में, क्योंकि ऊपर की ड्राइंग में इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन नीचे की ड्राइंग में बहुत टाइम लगा, क्योंकि वो बैठ के करना होता था और समझ के करना होता है, क्योंकि पूरा सब कुछ बहुत टेढ़ा बनाना होता है, तिरछा बनाना होता है, ताकि पूरा इल्यूज़न क्रिएट हो सके 3D वाला। तो आप जैसे देख रहे हो कि हमारा गेट कंप्लीट हो गया, ऊपर के जो पत्थर है वो भी कंप्लीट हो गया, नीचे का जो अंदर का रास्ता है वो बस बनाने जा कर रहे हैं, उस पर ही मेहनत कर रहे हैं हम सब। और नीचे के जो फ्लोर पे है, फ्लोर पे हम ब्रिज बना रहे हैं, क्योंकि
कि हम उस ब्रिज से होते हुए इस गेट से एंटर कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो जिस तरह से राइट साइड में मेरे दोनों दोस्त साथी लगे हुए हैं, ये बेस में निकाल रहे हैं। बेस में ही इसमें पता चल जाता है कि हमारा अब लुक कैसा आएगा। जैसे आप पानी का देख रहे हो लेफ्ट की तरफ पानी बहता हुआ दिख रहा है, बट इसमें हल्का सा टचअप और मारना है जिससे पूरी तरह से लगे कि हाँ ये बहता हुआ पानी है। अगर हम साइड से जाके देखते हैं तो साइड से बस ये टेढ़ा दिखता है कि हाँ बस, क्योंकि जो आगे की तरफ से जो लोग आ रहे थे उन्हें तो सिर्फ गेट ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि गेट ही उन्हें समझ में आ रहा था, नीचे का कुछ समझ आ ही नहीं रहा था। क्योंकि इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि एक स्पेस, एक जगह होती है जहाँ पर आप खड़े होके देख सकते हैं कि हाँ यहाँ से ये बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ से इसकी लुक आएगी। थोड़ा सा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा होता है तो ये भी टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो इसका एक पॉइंट होना बहुत ज़रूरी होता है। पॉइंट का हमने अलग से मार्क कर रखा था कि इस पॉइंट से आप खड़े होके एक फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं और फ़ोटो ले सकते हो और देख सकते हो। ये हमसे बीच बीच में आके पूछने दे रहते हैं कि आपको किसी कोई चीज़ चाहिए तो नहीं, और बातें भी करते हैं। तो अच्छा, इससे अच्छा टाइम, थोड़ा सा माइंड भी वो रहता है फ्रेश, जो अच्छे अच्छे लोग कुछ पॉजिटिव वाइब से मिलते हैं। ये कैंपस के कैमरामैन हैं जो आके हमारा पिक्चर ले रहे थे, और जिस तरह से वो ये दो थे ग्रुप में, ये कैंपस के ही थे। तो आप देख रहे हो एक पीछे का बैकग्राउंड काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, बट इसमें बनने के बाद भी कुछ ना कुछ छोटी छोटी डेप्थ होती है जो देनी ज़रूरी होती है, जो हम करते करते पता चल जाता है। कभी भी लैंडस्केप बनाने की अगर आप कोशिश कर रहे हो इस तरह से, तो स्टार्टिंग में बेस बहुत ज़रूरी होता है, डार्क लाइट वो सब चीज़ें ज़रूरी होती है। तो आप डार्क लाइट के हिसाब से, अगर जहाँ जहाँ डार्क है जहाँ जहाँ लाइट है उस हिसाब से पूरा फिल कर दो, पूरा पूरा फिल कर दो। फिर ऊपर से उसके काम करना शुरू करो कि यहाँ पर हमें पेड़ की ये करनी है, यहाँ पर पेड़ का और नीचे फ्लोर का ये करना है, यहाँ से रास्ता निकालना है, अगर पेड़ के स्पेस ऐसे आ रहा है तो ऐसे करना है। देख रहे हो जैसे कि मैंने डार्क और लाइट, पेड़ों की गहराई, तने घने, पीछे की तरफ लाइट किस तरह रखना है, वो हर तरह में से मैटर करता है। पेड़ों के लैंडस्केप सब इस तरह से ही बनता है। और जिस तरह से सामने आप देख पा रहे हो कि मैंने डार्क लाइट करते हुए आगे की तरफ से पूरा ही हो गया है काम। और पेड़ों के पहले मैंने मोटे मोटे तने ही बनाए थे, बाकी के जो छोटे पतले और जो धुंधले थे वो बाद में बनाए हैं, हल्के ब्रश से अगर आप बनाते हैं तो बन जाता है। बाकी सामने अब नीचे का जो हमारा काम शुरू हो गया है, और आप देख पा रहे हो कि हल्का फुल्का लुक आ रही है नीचे की ब्रिज की, और ये भी बस कंप्लीट होने वाली है। जैसे सामने का हमारा काम कंप्लीट हो गया है, वॉल का नीचे करते हुए आ रहे हैं हम। और जैसे मैम, अगर मैं यहाँ की IIT के बारे में बताऊँ तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर सब कुछ, और एंट्री गेट पे बहुत बड़ा कैंपस है। एंट्री गेट पे कोई भी बिना ID के या बिना जानकारी के, इंक्वायरी के कोई एंट्री कर ही नहीं सकता, बहुत पापड़ मिलने पड़ते हैं यहाँ पर। कैब वाले मुश्किल से आते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि यार अंदर जाने के टंटे बहुत हैं, सब कुछ करना पड़ता है, लाइसेंस दिखाओ, ID दिखाओ, ये करो उसके लिए। फिर हाँ, जब हम भी आए थे कैब से तो लग गया था टाइम, इंक्वायरी में ही 10-15 मिनट निकल गए थे, और ऐसे में तो आप लोग जानते ही हो कैब वाले नखरे करते ही है। फिर बाकी IIT के साथ के दोस्त ही है हमारे, जो साथ ही है जिन्होंने हमें बुलाया हुआ है, वो आके पूछते रहते हैं कि कुछ कमी तो नहीं है, कुछ रहता तो नहीं है, कुछ चाहिए तो नहीं। बाकी अभी इस टाइम पे हम, क्योंकि आज के दिन में काम कंप्लीट करना ही करना है किसी तरह से ही, और नीचे का फ्लोर का आपका देख रहे हो काम कंप्लीट हो गया है। एक्चुअली थोड़ा बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि लास्ट डे कल यस्टरडे बारिश हो गई थी, जिस वजह से काफ़ी काम रुक गया था। क्योंकि काफ़ी जितना काम अभी आप देख पा रहे हो, इतना काम हम कल करने की सोच रहे थे, और आज का दिन हम घूमने की सोच रहे थे, बट ऐसा नहीं हो पाया। मैं नहीं घूम पाऊँगा, घूम नहीं पाऊँगा, बट मेरे साथ ही जो ये पूरा कैंपस और जितना भी फेस्ट वेस्ट का आज का जो होगा वो घूम के आएंगे, एंजॉय करके आएंगे, क्योंकि इनका काम कंप्लीट हो चुका है तो ये निकल रहे हैं। अब मेरा काम जो रह गया है मैं कंप्लीट करूँगा, ये यश है।
और जो पतला वाला देव है, दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं और हार्ड वर्किंग है दोनों के दोनों। मेरे साथ ही है, कहीं भी जान जाते हैं साथ में ही लेके जाता हूँ मैं इनको। बाकी आप देखते आ रहे हो कि काम हमारा सामने का कंप्लीट हो गया, नीचे का कंप्लीट करते हुए आ रहा हूँ मैं। और लाइट डार्क का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है इसमें। सामने रिफ्लेक्शन, जो सामने जो गेट है, गेट की जो रोशनी निकल रही है और उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत आगे की तरफ आता ही है, वो रिफ्लेक्शन मैं लेते हुए कर रहा हूँ रखता हूँ, क्योंकि गेट की जो लाइट ब्रिज पे पड़ रही है वो भी दिखानी ज़रूरी है। और जैसे अब मैं बता रहा था कि बेस होने के बाद, बेस करने के बाद जो कलर सामने दिख रहा है, ग्रीन, येलो, डार्क, लाइट जो भी है, उस तरह से मिक्सिंग में आप कर दो। ऊपर से जो हम फिनिशिंग में काम करते रहते हैं, इसमें तीन प्रोसेस होता है, बेस, मीडियम और फिनिशिंग। ये अगर आप फॉलो करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। तो जैसे मैं करते हुए आ रहा हूँ, बेस होने के बाद मीडियम करके फिर उसको मैं फिनिशिंग करते हुए आ रहा हूँ। मीडियम मारा, फिर उसके बाद फिनिशिंग का लाइट मारा, और फिर लास्ट में एक थोड़ा बहुत टचअप होता है कि जहाँ पे पता चलता है, क्योंकि आपको पता है आर्टिस्ट का काम कभी कंप्लीट दिखता ही नहीं है उसको। आप लोग जो और लोग होते हैं उनको दिखता है कि हाँ कंप्लीट है। बाकी यार दोस्त बहुत अच्छे थे जो बन गए थे, अच्छा लगता था उनसे बात करना, बट ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए उनको और ना ही वो हमको, क्योंकि सब फेस्ट में लगे हुए थे, तैयारी में लगे हुए थे। वो खुद कुछ ना कुछ बना रहे थे, कभी क्योंकि इनकी मैजिकल थीम थे कुछ, तो मैजिक के मिलता जुलता कुछ भी जो उनको ठीक लगे, झाड़ू और जो जादू करने की टोपी और लैंप वगैरह, कासल, जो उनको ठीक लगे वो बना रहे थे, और बहुत अच्छा बना रहे थे वो। मैंने देखा उन्होंने, उनका काम काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे वो लोग भी। और जैसे हम अगर मैं पेंटिंग पे दोबारा आता हूँ, तो पेंटिंग का काम हमारा सामने जिस तरह से आपको दिख रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको लोगों को कैसा लग रहा है। और अगर आप मेरा काम थोड़ा भी सराहनीय लगा है कि दिख रहा है कि कुछ काम किया मैंने अच्छा, तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना और मुझे बताना कि मेरी गलती कुछ है तो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, घंटी बेल दोनों बजा देना जो आपको समझ में आए। तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, और आपको जो जो चीज़ दिख रही है या फिर कुछ पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी, मैं आपका पक्का ज़रूर जवाब दूंगा। और बाकी कोई ना कोई आता रहता है यहाँ पर काम में, और मुझे सच में कोई अगर बीच में आके काम में बोलता है तो डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि उससे अगर हम हट के दोबारा काम पे लगते हैं तो हमें थोड़ी बहुत हमें कमी और गलती पता चल जाती है, और फिर हम दोबारा उस काम को कंटिन्यू कर सकते हैं और अच्छे तरीके से। तो कोई भी आके बीच में अगर डिस्टर्ब करता है, लेट इट बी, उस कुछ ना कुछ आपको बता के जाएगा, और कुछ अच्छा है तो उसे रख लो, जो नहीं है उसे जाने दो। बातें तो यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा काम, मेरा हमारा, और वो दोनों अपना एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, काम मुझे नहीं पता, बट हाँ उनको आर्टिस्ट कार्ड मिला हुआ है तो वो कहीं भी जा सकते हैं, आ जा सकते हैं। और अभी वो पहले तो रूम पे गए होंगे और अपना चेंज करके आए होंगे और घूम रहे होंगे, उन्होंने मुझसे यही बोल के गए कि हम जा रहे हैं घूम रहे फिर रहे। कुछ यहाँ का मैं आपको दिखा नहीं पाया, सॉरी, आसपास घूम के, लेकिन मुझे काम में ज़्यादा ज़रूरी था लगा मुझे यहाँ पर, क्योंकि वो तो आपके IIT की साइट या उनके चैनल पे जाके भी देख सकते हो। बाकी आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर हम, जैसे ही मैंने आपको बताया, ब्रिज और हमारा गेट, मैजिकल गेट कंप्लीट हो चुका है, हल्की फुल्की जो टचिंग रह गई है जब फिनिशिंग करके बाद, मीडियम के बाद फिनिशिंग बाद हल्की फुल्की टचिंग जो रहती है वो देनी ज़रूरी होती है, और वो ऑलमोस्ट हो ही गई है। आपको कैसी लग रही है पेंटिंग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और मैं पीछे आके इस तरह से कैमरे में भी देख रहा था कि कुछ कमी तो नहीं रह गई, कहीं से कुछ रह तो नहीं गया, मज़ा आया यहाँ पर काम करके। और ये एंट्री गेट पूरा,
ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये मैंने साइन मार दी है, मेरा नाम काय है। और ये इवनिंग का, जैसे मैंने आपको बताया था कि नाइट हो ही गई थी इनके आते आते, ये मैं चल दिया वापस। ये मैंने पहले की थी जो मैंने अभी डाल दी थी। और थैंक यू सो मच आपका कीमती समय देने के लिए। आई होप आप लोगों को ये पेंटिंग अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।